हेलो क्लास, पिछली क्लास में हम लोग देख रहे थे कोप्लेनर फोर्सेस के बारे में, जिसमें हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को पढ़ रहे थे। तो वहाँ पे हम लोग फोर्स को रिजॉल्व करना और उसका जो फॉर्मूला है वो निकाला गया था। जब उसको फोर्स को रिजॉल्व करते हैं हम अलग अलग कंपोनेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो हमको पता है वहाँ पर कि नंबर ऑफ़ फोर्सेस कितने भी हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एन नंबर ऑफ़ फोर्सेस हो सकते हैं। वहीं जब हम पैरेललोग्राम मेथड और लॉ ऑफ ट्रायंगल मेथड जब पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था कि हम कोई दो फोर्स को ही लेके सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, कोप्लेनर फोर्स को सॉल्व करने का कंपोनेंट मेथड, फोर्स रिजोल्यूशन मेथड जो है वो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ फोर्सेस जो हैं वो हम कितने भी हो जाएँ हम इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद आज हम लोग इसी पे एक न्यूमेरिकल लगा के देखेंगे कि इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, और कैसे इसका रिजल्ट हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, द फॉलोइंग फोर्स एक्ट एट ए पॉइंट, द फॉलोइंग फोर्स फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट एट ए पॉइंट। ठीक है, कौन कौन से फोर्स हैं उसको हम सीरियल वाइज यहाँ लिखते जा रहे हैं और उसके डायरेक्शन के साथ सीरियल वाइज इधर लिखते जाएंगे। फिर उसके बाद इसका फिगर ड्रॉ करके हम देखेंगे कि एक्चुअल में वो फोर्स किस कोऑर्डिनेट में लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला फोर्स देखते हैं, 20 न्यूटन इंक्लाइंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, सेकेंड, 20 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, थर्ड, 30 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, और लास्ट एक फोर्स और देखते हैं, 35 न्यूटन इंक्लाइन एट 40 डिग्री टुवर्ड साउथ ऑफ वेस्ट। ठीक है, क्या पता करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं कि एक्चुअल में इसको कैसे लगाना है। ठीक है, अब जो हम क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ फोर्सेस चार ही हैं। ठीक है, ये चार से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 5, 6 एन नंबर ऑफ फोर्सेस हो सकते हैं। ठीक है, अभी जितने भी क्वेश्चन इसके पहले हम लोग सॉल्व किए हैं उसमें मैक्सिमम दो या तीन फोर्स ही लगे रहते थे, लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं कि नंबर ऑफ फोर्स जो है वो चार है। सॉल्व करने का तरीका एज इट इज, जैसे फोर्स रिजोल्यूशन करते थे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में ब्रेक करके, सेम वही तरीका है, बस इसमें नंबर ऑफ फोर्सेस जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 20 न्यूटन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है,
पहला फोर्स जो है वो 20 किलो न्यूटन का है, 20 न्यूटन का है, और वो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री इंक्लाइंड है, ठीक है। सेकेंड 20 न्यूटन टुवर्ड नॉर्थ, ठीक है, 20 न्यूटन जो है वो नॉर्थ की तरफ ही लग रहा है, ठीक है। थर्ड क्या है, 30 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, 30 न्यूटन जो है वो नॉर्थ वेस्ट साइड पे लग रहा है, ठीक है। और फोर्थ फोर्स क्या है, 35 न्यूटन इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टुवर्ड साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो 35 न्यूटन जो है वो वेस्ट से साउथ की तरफ इंक्लाइंड है 40 डिग्री, ठीक है। ये चारों फोर्स जो है वो लग रहा है, और हमको क्या पता करना है कि जो रिजल्टेंट होगा इस चारों फोर्स का उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और वो किस डायरेक्शन में लगेगा रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो पहले इसको फिगर को, इस क्वेश्चन को एक फिगर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करके देखते हैं कि हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या मिल रहा है, उसका डायरेक्शन कितना मिल रहा है और वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। रिजल्टेंट जो है वो किसी ना किसी एक क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फिगर्स को, पहले इस क्वेश्चन को एक फिगर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। को ईस्ट मान ले रहे हैं हम, इसको वेस्ट, अपवर्ड डायरेक्शन को नॉर्थ मान ले रहे हैं और डाउनवर्ड को साउथ, ठीक है। तो हम क्या किए कि एक जनरल चीज मान लिए कि ईस्ट इस साइड में है, वेस्ट उसके अपोजिट साइड में है, नॉर्थ अपवर्ड डायरेक्शन में है और साउथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब इस एक एक फोर्स को हम उसमें लाई करेंगे कि वो किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो 20 न्यूटन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में लाई कर रहा है और वो ईस्ट से 30 डिग्री के एंगल पे लाई कर रहा है, ठीक है। 20 न्यूटन है और वो 30 डिग्री जो है वो नॉर्थ साइड में लाई कर रहा है ईस्ट से। तो अगर इसका अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये 20 न्यूटन लग रहा है जो ईस्ट से 30 डिग्री पे लाई कर, ठीक है, सबसे पहला हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, 20 न्यूटन टुवर्ड नॉर्थ, ठीक है, जो 20 न्यूटन है वो नॉर्थ साइड पे लग रहा है, यानी एकदम एग्जैक्ट 20 न्यूटन जो है वो नॉर्थ साइड पे लग रहा है, 20 न्यूटन, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी हो गया, फिर 30 न्यूटन टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे कोई एंगल नहीं लिखा गया है, ठीक है, इस लाइन में कहीं पे भी कोई एंगल नहीं लिखा गया है कि किस एंगल में लाई कर रहा है। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्ट लिखा हो 30 न्यूटन टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट, अगर ऐसा लिखा हो मतलब ये जो 30 न्यूटन है वो ईस्ट और नॉर्थ और वेस्ट को बाइसेक्ट करते हुए ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, यानी ये जो 30 न्यूटन है वो नॉर्थ वेस्ट को बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में लग रहा है कितना, 30 न्यूटन, न्यूटन लग रहा है नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में लग रहा है 30 न्यूटन, और वो कितना एंगल बना रहा है, मतलब कि वो बाइसेक्ट कर रहा है यानी 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक, ये भी हो गया। अब 35 न्यूटन इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टुवर्ड साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से साउथ की तरफ इंक्लाइंड है और कितना एंगल इंक्लाइंड है, 40 डिग्री, ठीक है, और 35 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो 35 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, और वो इंक्लाइंड है कितना, वेस्ट से 40 डिग्री पे है, यानी ये एंगल जो है वो 40 डिग्री,
ये चारों फोर्स जो हैं वो अब एक फिगर में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इस फिगर, इस जितने भी फोर्स लग रहे हैं इन सारे फोर्स का एक रिजल्टेंट फोर्स होगा, ठीक है। तो उस रिजल्टेंट फोर्स को हमको पता करना है कि वो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसका डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। तो फिगर में हमको दिख रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी फोर्स नहीं लगा हुआ है, वो चारों फोर्स जो हैं वो इसी तीन क्वाड्रेंट में है और एक जो है वो प्योरली नॉर्थ के साइड में है, ठीक है। तो जब हम फोर्स को सॉल्व करेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो उस फोर्स, उस क्वेश्चन को हम एक फिगर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। फिर अब हमको पता है फोर्स रिजोल्यूशन का जो फॉर्मूला है, जो फोर्स रिजोल्यूशन का फॉर्मूला है वो हमने पहले ही इसके पहले वाले क्लास में लिख रखा है। तो वो क्या होता है, रिजल्टेंट इक्वल्स टू रूट अंडर समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर, ठीक है। यहां से हमको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा और हमको अगर रिजल्टेंट का एंगल पता करना है तो वो उसका क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स। ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे हमको सॉल्व करके इस क्वेश्चन का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यानी सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम समेशन करके देखते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब कि जितने भी फोर्स हैं वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, जितने भी उसके कंपोनेंट लग रहे हैं, जितने भी फोर्स हैं वो ईस्ट वेस्ट लाइन के अलॉन्ग कितने भी इनके कंपोनेंट आ रहे हैं, जितने भी इतने कंपोनेंट आ रहे हैं उन सबको ऐड करेंगे साइन के साथ, ठीक है। अगर हम ईस्ट को पॉजिटिव ले रहे हैं, अगर हम ईस्ट को पॉजिटिव ले रहे हैं तो वेस्ट जो है, तो वेस्ट जो है वो निगेटिव हो जाएगा अपने आप, ठीक है। अगर हम नॉर्थ को पॉजिटिव ले रहे हैं तो साउथ जो है वो अपने आप निगेटिव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे जितने भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग, यानी ईस्ट वेस्ट लाइन के अलॉन्ग जितने भी फोर्स आ रहे हैं उनको सबको ऐड करेंगे उसके साइन के साथ, ठीक है। तो ऐड करते हैं, सबसे पहला फोर्स क्या होगा, 20 न्यूटन जो है वो 30 डिग्री इंक्लाइंड है ईस्ट से नॉर्थ के साइड में, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स आएगा 20 cos 30। सबसे पहला आएगा 20 न्यूटन cos 30 डिग्री, ठीक है। फिर सेकेंड फोर्स था 20 न्यूटन नॉर्थ, तो अगर इसको ऐड करें तो ये 90 डिग्री होगा क्योंकि प्योरली जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो ये 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होगा। तो हम इसको ऐड करें तो क्या होगा, 20 cos 90 डिग्री, ठीक है। फिर तीसरा फोर्स अगर ऐड कर रहे हैं तो तीसरा जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, यानी निगेटिव साइन के साथ रखेंगे। अगर हम ईस्ट पॉजिटिव लिए हैं तो वेस्ट निगेटिव होगा, तो वेस्ट को हम क्या करेंगे, निगेटिव साइन के साथ रखेंगे, तो क्या रखेंगे, 30 cos 45 डिग्री, ठीक है। और लास्ट फोर्स जो है वो कितना था, लास्ट फोर्स जो था वो 35 न्यूटन, ठीक है।
तो 35 ये भी वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इसको भी नेगेटिव साइन के साथ रखना है। क्या होगा? माइनस 35 कॉस 40 डिग्री। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो हमको जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस फोर्स के जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका हमको रिजल्टेंट मिल जाएगा, समेशन मिल जाएगा, कितने हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, कितना उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। कॉस 30, 20 कॉस 30, ये आया कितना 17.320 प्लस 20 कॉस 90, हमको पता है कॉस 90 जीरो होता है। ठीक है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया। माइनस 30 कॉस 45, 30 कॉस 45, ये कितना आया 21.213। ठीक है, माइनस 35 कॉस 45, 35 कॉस 40, तो ये कितना आया 26.811। ठीक है, तो ये सारे फोर्सेस जो हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इन सबको हम अगर ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं उन सबका समेशन मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो कितना होगा 20 cos 30 प्लस 20 cos 90 प्लस माइनस 30 cos 45 माइनस 35 cos 40, ये आ रहा है माइनस 30.70 न्यूटन। नेगेटिव साइन मतलब ये जो है हॉरिजॉन्टल का फोर्स आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव साइन मतलब कि ये जो है इन चारों फोर्स का जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं तो वो वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, वो वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से हम वर्टिकल डायरेक्शन के कंपोनेंट को ऐड करेंगे। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन के कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू। ठीक है, अब जितने भी फोर्स जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में जो लग रहा है, ठीक है, जितने भी फोर्स हैं उसके जितने भी कंपोनेंट जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में जो लग रहे हैं उन सबको ऐड करके हम देखेंगे कि एक्चुअल में समेशन जो है वो वर्टिकल फोर्स में कितना आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला फोर्स यही था, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा 20 साइन 30 डिग्री। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था 20 कॉस 30 डिग्री, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा 20 साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होगा 20 साइन 30 डिग्री, फिर सेकंड क्या है, सेकंड फोर्स यही था 20 साइन 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि प्योरली नॉर्थ डायरेक्शन में है तो क्या होगा साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, लेकिन इक्वेशन में पहले लिख देते हैं हम 20 साइन 90 डिग्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है थर्ड फोर्स 30, तो हॉरिजॉन्टल क्या था 30 कॉस 45 डिग्री। ठीक है, 30 कॉस 45 डिग्री, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा 30 साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा 30 साइन 45 डिग्री। ठीक है, ये जितने भी फोर्स हैं अभी नॉर्थ डायरेक्शन में यानी अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, इसलिए सारे फोर्स जो हैं वो अभी पॉजिटिव ही हैं। लास्ट फोर्स क्या है 35 न्यूटन है, जो क्या है वेस्ट से साउथ के डायरेक्शन में इंक्लाइंड है 40 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 30, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था इसका 35 कॉस 40 डिग्री, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा 35 साइन 40 डिग्री। ठीक है,
तो साइन 40 डिग्री जब ये साउथ की डायरेक्शन में आएगा, यानी अगर हम नॉर्थ को पॉजिटिव लिए हुए हैं, अगर नॉर्थ को पॉजिटिव लिए हुए हैं तो साउथ जो है वो अपने आप निगेटिव हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, माइनस 35 साइन 40 डिग्री। ये सारे फोर्स जो है, ये सारे फोर्स के जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं वो सब हम साइन के साथ ऐड कर दिए, ठीक है। तो हमको पता चलेगा कि एक्चुअल में वर्टिकल डायरेक्शन में जो वर्टिकल फोर्स हैं, इन सारे फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐड करें, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू, ठीक है, ऐड करते हैं 20 साइन 30 डिग्री। तो ये साइन 30 का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है, तो ये हो गया 10 प्लस 20 साइन 90 डिग्री। साइन 90 इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 20 प्लस 30 साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 1/√2 होता है, ठीक है। तो 30 साइन 45 कितना आया, 21.213 माइनस, ठीक है, 35 साइन 40 डिग्री, 35 साइन 40 डिग्री। तो ये कितना है, माइनस 22.497, ठीक है। ये सारे फोर्स जो हैं ये वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड किया गया था, अब सारे वर्टिकल कंपोनेंट को ऐड कर रहे हैं, तो ये रिजल्टेंट कितना आ रहा है, ठीक है, सारे वर्टिकल कंपोनेंट का समेशन कितना आ रहा है, 20 साइन 30 प्लस 20 साइन 90 प्लस 30 साइन 45 माइनस 35 साइन 40, ठीक है। एक बार 20 साइन 30 प्लस 20 साइन 90 प्लस 30 साइन 45 माइनस 35 साइन 40, ठीक है। ट्वेंटी साइन थर्टी फिर ट्वेंटी साइन नाइन्टी फिर थर्टी साइन फोर्टी फाइव माइनस थर्टी फाइव साइन फोर्टी, ठीक है। तो इसको ऐड करते हैं एक बार, 20 साइन 30 प्लस 20 साइन 90 प्लस 30 साइन 45 माइनस 35 साइन 40, ठीक है। तो कितना आ रहा है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू आ रहा है 28.715 न्यूटन, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक करते हैं, देखते हैं कि हमारा वैल्यू जो है वो सही है या नहीं, ठीक है। तो एक बार हॉरिजॉन्टल फोर्स और एक वर्टिकल सारे समेशन को ऐड करके एक बार देखते हैं कि हम लोग का जो समेशन है वो सही आ रहा है कि नहीं। 20 cos 90 माइनस 30 cos 45 माइनस 35 cos 40, ठीक है। वर्टिकल 20 sin 30 20 sin 90 30 sin 45 sin 45 माइनस 35 sin 40, ठीक है। तो ऐड करते हैं सबको एक बार, 20 cos 30 प्लस 20
cos 90 plus sorry minus 30 cos 45 minus 35 cos 40 30.70 ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्टिकल देखते हैं 20 साइन 30 प्लस 20 साइन 90 प्लस 30 साइन 45 माइनस 35 साइन 40 28.715 ठीक है। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का समेशन हो गया ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमको कुछ नहीं करना, हॉरिजॉन्टल का समेशन और वर्टिकल का समेशन इस फॉर्मूले में ऐड रखना है और सिमिलरली इसका सब इन्हीं दोनों का समेशन यहाँ पे रखना है, तो हमको पता चल जाएगा कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है और रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर है ठीक है। तो इसको सॉल्व करके अब देखते हैं हम लोग ठीक है। अब ये रिजल्ट तो हमको मिल गया ठीक है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले में रखना है। तो R इक्वल्स टू रूट अंडर समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कितना है माइनस 30.70 न्यूटन का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर। तो वर्टिकल फोर्स कितना है 28.715 का स्क्वायर ठीक है। तो रिजल्टेंट हमको मिल जाएगा क्या, रिजल्टेंट हमको मिलेगा 30.70 स्क्वायर प्लस 28.715 स्क्वायर ठीक है रूट अंडर, ये कितना आया 42.036 न्यूटन ठीक है। ये क्या आ रहा है, ये सारे फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आ रहा है ठीक है। 30.70 स्क्वायर प्लस 28.715 स्क्वायर रूट अंडर ठीक है। तो ये जो है ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया हमको ठीक है, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया हमको कि इन सारे फोर्स का जो समेशन है, इन सारे फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो ये है ठीक है। अब हमको देखना है कि ये रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है ठीक है। तो हम क्या करें, सिमिलरली ये फॉर्मूला यूज करें जो ऊपर यहाँ लिखा हुआ है ठीक है। टेन अल्फा, मान लेते हैं कि अल्फा एंगल जो है वो रिजल्टेंट का एंगल है ठीक है, किसी भी डायरेक्शन से, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से ये अल्फा एंगल रिजल्टेंट बना रहा है ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 28.715 डिवाइडेड बाई फिर समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स वो क्या है माइनस 30.70 ठीक है। तो ये यहां से हमको मिल जाएगा टेन अल्फा कितना होगा 28.715 डिवाइडेड बाई माइनस 30.70 ठीक है। तो इसका वैल्यू आ रहा है माइनस 0.9353 ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा टैन इनवर्स ठीक है, अल्फा का वैल्यू क्या आएगा टैन इनवर्स माइनस 0.9353 ठीक है, और अल्फा का वैल्यू आ रहा है माइनस 43.086 डिग्री ठीक है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ठीक है कि 42.036 न्यूटन आ रहा है
और उसका डायरेक्शन जो है वो -43.086 डिग्री पे है, मतलब कि ये वेस्ट डायरेक्शन से नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज ये इसका डायरेक्शन आ रहा है, मतलब कि जो इसका रिजल्टेंट है, अगर सिर्फ रिजल्टेंट की बात करें, अगर सिर्फ रिजल्टेंट की बात करें तो वो होगा कितना होगा 42.036 न्यूटन, और ये वेस्ट डायरेक्शन से एंगल होगा इसका 43.086 डिग्री, ठीक है। और अगर इसको इसका ये एंगल बताना हो तो हम क्या करेंगे कि 180 माइनस अल्फा कर देंगे तो हमारा ये एंगल पता चल जाएगा। तो क्या होगा 180 माइनस अल्फा, तो वो कितना आ रहा है 136.913 डिग्री, ठीक है। तो अगर सिर्फ रिजल्टेंट की बात करें, ठीक है, अगर सिर्फ रिजल्टेंट की बात करें तो हमको क्या मिल रहा है कि रिजल्टेंट जो है वो ये है, और उसका डायरेक्शन जो है रिजल्टेंट इन सारे फोर्स के समेशन को, इन सारे फोर्स का जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन जो है वो ये है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम कोप्लेनर फोर्सेस को सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं कि रिजल्टेंट कितना आ रहा है और मैग्नीट्यूड कितना है उसका और उसका डायरेक्शन किधर है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ चार फोर्स को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4। अगर हम चाहें तो इस तरीके से n नंबर ऑफ फोर्सेस को मिला के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, चाहे जितना हो सकता है, ठीक है। तो ये एक मेथड है फोर्स रिजोल्यूशन मेथड, ठीक है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का, उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लामिस थ्योरम, ठीक है, थैंक यू।